ये चिकन है, ये अचार गोश्त का मसाला, ये लहसुन और अदरक है, और ये दही है। आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त। दही में मिक्स करना है लहसुन मसाला, अचार गोश्त का और अदरक। जी मुस्तफा, जी मुस्तफा, ये दही अचार गोश्त मसाला सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं, लेकिन गोश्त ये रखा हुआ है, इसको अभी ये है चिकन। सिर्फ टमाटर, अचार गोश्त में सिर्फ टमाटर ही डालते हैं। ये है अचार गोश्त। अच्छा ये बन रहा है आज अचार गोश्त चिकन में, इसकी चिकन हमने निकाल दी कि ज़्यादा गर्म हो। उसके बाद इसमें कुछ करेंगे और ये हरी मिर्ची चार है। अच्छा ये चिकन अचार गोश्त रेडी है मेरा, और ये है ये रोटी जिसके नीचे रोटी है, ये पराठा। अच्छा बस अब ये टिफ़िन में डालकर मैं नाश्ता और लंच वहीं करूँगा, ड्यूटी पर अभी कर रहे हैं। आज है जुमे का दिन, अचार गोश्त रेडी है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं अभी जा रहा हूँ ड्यूटी पर, क्योंकि वॉक वगैरह पे नहीं गया था, मैं लेट हो गया था, 7 बजे उठा फिर सो गया, ऐसी सुस्ती चढ़ी तो मैं नहीं कर पाया वॉक आज। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये है चिकन अचार गोश्त, असल में आज प्लेट मिल नहीं रही थी, यहाँ ड्यूटी पर हूँ मैं, पेपर प्लेट में निकाल रहा हूँ। और ये नाश्ता है मेरा, नाश्ता है रेडी, भूख लगी बहुत। चिकन अचार गोश्त काफ़ी दिनों बाद बनाए मेरे घर पे। गरम गरम फ्रेश चीज़ बनी हुई है तो उसमें वैसे भी टेस्ट होता है। नाइस। ये है मेरी कॉफ़ी, क्योंकि नाश्ता तो किया है मैंने तकरीबन 10:45, अभी 11:30 हो रहे हैं। कॉफ़ी नहीं पियो तो दिमाग नहीं चलता मेरा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अभी हम लोग नमाज से रिटर्न हुए हैं, वापस आए हैं, जुमा था। ये है
अचार गोश्त जो मैं सुबह लाया था, और ये अंडा घोटाला है, एक का सालन है, और इसमें रोटियां हैं, और इसमें मुजफ्फर के राइस हैं। आज हमारी टीम में अबरार है, बाकर है, मुजफ्फर है, मैं हूँ गुलाम सरवर, और बाकी कोई अपडेट नहीं है। अभी गरम गरम नान आएंगे। ये थी हमारी अपडेट। ये आलू पुलाव होता है कभी हमारा, कभी मुजफ्फर। ये गरम गरम नान आ गए हैं, अभी बस हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। नान के साथ अच्छा, ये मैंने अभी आलू खाए थे, अभी खाता हूँ अंडा को। चलो माशाल्लाह, अचार गोश्त आज बिल्कुल टेरिफिक बना है, डिलीशियस बोल सकता हूँ उसको मैं। ये कह रहा मैं क्या है। अच्छा भाई, ये हम लोग लाइव अभी चल रहे हैं, माशाल्लाह ऐसा मज़ा आया कि मैं दोबारा आना पड़ा इधर। अच्छा ये जो, एक मिनट, ये जो हरी मिर्च है ना अचार गोश्त में, इसमें भरा होता है मसाला ना, इसको मैं बड़े शौक से खाता हूँ। बोटियाँ नहीं खाते आप? वाह, बोटियाँ खाता हूँ, बट चिकन की बोटियाँ मुझे जी वो नहीं है, अटैक नहीं करते। हमने राइस निकाल दिए। अस्सलाम वालेकुम, आज हमारे घर पकी है ये बेसन की टिकिया। ये होगा मेरा डिनर आज का, रोटी बनी हुई है। मैं आ गया हूँ घर पर, जैसे डिनर रेडी हो जाता है निकालूंगा। बच्चे ये खेल रहे हैं। इससे क्या, मैं गुब्बारे वाला थोड़ी हूँ कि मैं कुछ बना कर दूँ। बस मैंने इसे करके दे दिया। उसके बाद आज जुमे का नया सूट पहना है मोहम्मद। एक मिनट, मिनाल ने भी पहना है। एक मिनट में पिक्चर ले सकता हूँ क्या आप लोगों की? ये है मेरे बेटे का गुबाला, इसको हम बैलून भी कहते हैं मुस्तफा। ओके, अच्छा ये है मेरा डिनर, ये बेसन की टिक्कियाँ हैं, और ये हैं रोटियाँ। आज वैसे मेरा मूड तो बुसरी बना और खाने का था, लेकिन घर पर ये तैयार हो चुकी थी पहले ही, तो अभी इसी को रिटर्न करना पड़ेगा। नाइस क्रिस्पी है, क्रिस्पी बेसन की टिक्कियाँ लगा दी, अच्छा टेस्ट है। मैं अच्छा अभी हम लोग बाहर गए थे थोड़ा, ये मुस्तफा को यहाँ पर ये वो गला निकला है इसको दिखाने किसी मौलवी के पास, और वहाँ से ये ड्राई फ्रूट लाए हैं, बादाम, चने और मूँगफलियाँ। अभी अभी वापस हुए हैं। ये दोनों निकालो। क्या ये वाली? ठीक है ठीक है। वो मैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मूँगफलियाँ खाना। अभी हम लोग मूँगफली लाए हैं ना अबू। ऐसे आपकी हेल्प करूं? टूट गया है ना। ऐसे ऐसे टूट गया है ना।
अब तोड़ के मैंने इस बार जो है ना सस्ती वाली मूंगफली ली, ये मिली मुझे 160 रुपए की पाव थी, आधा पाव मिली 80 रुपए की। हाँ खुल गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, व्लॉग में। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।